हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 6-7 इंग्लिश के फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकंड की बात करेंगे, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो अपना दूसरा है उसके आंसर्स क्या रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन फॉर सेंटेंस गिवन बिलो। दे ग्रो क्रॉप्स ऑन फार्म्स, यानी जो फसलों को क्रॉप्स करते हैं यानी खेत के अंदर, उनको क्या कहते हैं? टेलर्स कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, फार्मर्स कहते हैं, मैजिशंस कहते हैं। तो जो खेत में यानी जो खेती करता है उसको फार्मर्स यानी किसान बोलते हैं, तो फार्मर्स। सेकंड हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। डिवाइडेड दिस पिज्ज़ा, गीता एंड रानी, यानी गीता एंड रानी, यानी इससे पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, जब एंड से जुड़े हों और जब दो चीज़ों में यानी दो जनों को डिस्ट्रीब्यूट करनी हो कोई चीज़, तो उसमें बिटवीन का यूज होता है, बिटवीन यानी दो के मध्य। नेक्स्ट है, टिक द करेक्ट कमांड फॉर द गिवन सेंटेंस। आई एम गेटिंग वेरी लेट फॉर स्कूल, यानी मैं स्कूल के लिए वेरी लेट यानी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ, तो अब क्या करना चाहिए उसको? सिट डाउन, बैठ जाना चाहिए, वॉक स्लो धीरे चलना चाहिए, मेक ए लाइन लाइन बनानी चाहिए, या हरी अप जल्दी करनी चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए? जल्दी करना चाहिए, हरी अप। नेक्स्ट है, टिक द ऑप्शन दैट यू डू नॉट सी इन द गिवन पिक्चर, यानी आपको इस पिक्चर के अंदर जो नहीं दिखाई दे रहा है उस पर अपने को टिक करना है। जैसे मून है कि नहीं है, गर्ल, ब्यूट, बटरफ्लाई, ट्री, तो देखो गर्ल भी दिखाई दे रही है, बटरफ्लाई भी है, और ट्री यानी पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या नहीं है? मून नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मून। मून पर अपन क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। फिर है, रीड द गिवन राइम एंड आंसर क्वेश्चंस 5 and 6, यानी अपने सबसे पहले इसको राइम को पढ़ेंगे। रेन रेन गो अवे, कम अगेन सम अदर डे, लिटिल प्लक वांट्स टू प्ले, कम अगेन सम अदर डे। तो ये क्या होगी? एक राइम होगी। अब अपने क्वेश्चन देखेंगे 5 और 6, इनके आंसर साइज में। तो जैसे 5 नंबर है, व्हाट डज द वर्ड गो अवे मीन, यानी गो अवे का अर्थ क्या है? वो कहते हैं रेन रेन गो अवे, यानी तुम जाओ, यानी वर्षा कह रहे हैं कि तुम जाओ, डिसअपियर इन गायब हो जाओ, या फिर लीव तुम यहाँ से चले जाओ, ये इसका क्या है? गो अवे का मीन है, यानी तुम चले जाओ या गायब हो जाओ। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है, बिकॉज दे व्हाई डज पलक वांट टू द रेन गो अवे, यानी जो पलक है वो रेन को जाने के लिए क्यों कह रही है, यानी तुम चली जाओ क्यों कह रही है, वापस दूसरे कभी अदर दूसरे दिन आना, तो बिकॉज सी वांट टू प्ले, क्योंकि वह खेलना चाहती है, इसलिए वो बारिश को कह रही है कि तुम चले जाओ, गो अवे हो जाओ। नेक्स्ट है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन 7 and 8। राजू हैज ए डॉग नेम टीम, राजू के डॉग यानी कुत्ते का नाम टीम है। ऑन मंडे, यानी मंडे को राजू लेफ्ट द गेट ओपन, यानी गेट खुला रख देता है, एंड टीम गॉट आउट, और वह बाहर चला जाता है। ही वॉज लॉस्ट, और वह खो जाता है। राजू लुक्ड फॉर टीम बिहाइंड हिम एंड एट द पार्क, यानी वह घर के पीछे और पार्क में ढूंढता है, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं होता है। राजू फाउंड टीम इन द प्ले ग्राउंड इन हिज स्कूल, यानी स्कूल के प्ले ग्राउंड में मिलता है। राजू वॉज वेरी हैप्पी एंड ही हग्ड टीम, और उसे हग्ड करता है। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है व्हाट हैपन्ड ऑन मंडे, यानी मंडे को क्या घटित हुआ? तो ही लॉस्ट हिज डॉग, यानी उसका जो डॉग था टीम वो क्या हो गया? खो गया। नाम भी लिख दो साथ में, टीम, लॉस्ट हिज डॉग टीम। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द सेकेंड प्लेस राजू लुक्ड फॉर टीम, यानी सेकेंड प्लेस कौन सा था जहाँ पे राजू ने खोजा? एक तो घर था, दूसरा पार्क यानी हाउस के पीछे ढूंढा था, बिहाइंड द हाउस, और एक था एंड एट द पार्क। तो यहाँ पे अपन सेकेंड पूछा गया, तो सेकेंड हो जाएगा एट द पार्क। आई होप कि आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट सेकेंड अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।